क्या आप जानते हैं कि आज हम सबके लिए हेल्थ सबसे बड़ी चुनौती बन करके उभरा है और इसका एक प्रमाण है दिल्ली में एमएसएमई की 10 11 12 अगस्त को हुई वह वर्कशॉप जिसमें देश विदेश के अनेक रिप्रेजेंटेटिव ने भाग लिया और भारत से अनेक देशों में रिप्रेजेंटेशन कर चुके एम्बेसडर और विभिन्न पदों में रहे प्रमुख का यह उद्बोधन जिसमें उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेक्टर जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेक्टर से है जिसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा प्रॉफिट सबसे ज़्यादा वर्किंग होने वाली है। आखिर क्यों? क्योंकि बदला हुआ मानसून परिदृश्य ग्लोबल वार्मिंग और आप देख रहे हैं नित्य आंधी तूफान हमारे लिए चुनौती बन रहे हैं। तो आप देखिए यह है महत्वपूर्ण वीडियो, आपको पसंद आए तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। अशोक खंडेलवाल चिकित्सा संसार की ओर से। कहते हुए हमें संकोच नहीं है कि जब 2021 में चीनी महामारी ने हम पर हमला किया था, मैं कोर ग्रुप का मेंबर हूं, हम लोग बौखला गए, हमें मालूम नहीं था क्या करना। आज तो बहुत से लोग कहते हैं कि ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। उस वक्त सबके मुंह पे ताला लगा हुआ। और आपको एक चीज और बताता हूँ गोयनका साहब, जब महामारी ने हम पर हमला किया भारत में एक कंपनी नहीं थी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वाला, नॉट वन। लेकिन फिर पुकार आई कि हेल्थ के लिए नो कॉम्प्रोमाइज, और 3 महीने के अंदर 600 कंपनियां भारत में आई जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वाला। इसकी ताली बजाइए जोर से, मजा आ रहा है। और ये सारी की सारी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज 600 कंपनीज 3 महीने टू डील विथ। फिर जो आपकी वैक्सीन बनी और जो नई वैक्सीन को परमिशन मिली, दोज आर मीडियम एंटरप्राइज नॉट लार्ज एंटरप्राइज। इनके आने से पहले 5,000 हमारे डॉक्टर्स नर्सेस एम्बुलेंस ड्राइवर्स फार्माकोलॉजिस्ट, उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी ताकि आप और मैं जिंदा रह सकें। 5,000 वी लॉस्ट, क्योंकि हमारे पास उस समय ये विचार नहीं था कि हेल्थ इतनी बड़ी इशू हो। मैं आयुष्मान भारत की बात नहीं कर रहा, मैं इस चैनल। और अब आप पढ़ रहे हैं कि चीनी महामारी का एक नया वेरिएंट एरिस आ रहा है। सो दिस इज वन एरिया यू वांट टू लुक एट, केवल भारत में नहीं है, पूरी दुनिया में आप देखें। दूसरा है परिवर्तन इन द क्लाइमेट, जलवायु। मैं अभी यूरोप से लौटा हूँ, स्पेन में था। आप लोग सब जानते हैं स्पेन साधन यूरोप, दिन का तापमान दिन का तापमान 52 डिग्री सेल्सियस, 52 डिग्री सेल्सियस। तो फायर ब्रिगेड आती थी, लोग अपने कपड़े जांगिए में रहते थे और फायर ब्रिगेड से पानी डालते थे कि वो मर ना जाए, क्योंकि उनको आदत नहीं पड़ी। अगेन स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हम लोग देख रहे हैं इंडिया में जो काम कर रही हैं ऑन फाइटिंग क्लाइमेट चेंज, नई टेक्नोलॉजीज, पेड़ों की जो बात होती है, हाउ डू यू डील विद क्लाइमेट डिटीरियोरेशन, पानी को किस तरह से बचाया जाए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक्सेट्रा, ये दूसरा क्षेत्र है। तीसरा जो है, जो आने वाले सालों में जिस पे आप फोकस करेंगे, दैट इज ऑन न्यू, जिन्हें हम कहते हैं क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। ये नई टेक्नोलॉजी जो बन रही है, नैनो टेक्नोलॉजी, ये वो, अब तो बातचीत हो रही है अबाउट सेमी कंडक्टर्स एंड सुपर कंडक्टर्स। लोग कहते हैं कि उसमें बहुत आपको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, दैट इज नॉट ट्रू। वंस अगेन शुरुआत इसकी हो सकती है फ्रॉम स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री। सो ये तीसरा है न्यू एंड क्रिटिकल इमर्जिंग। चौथा जो क्षेत्र है जिसमें बहुत बातचीत होगी वो है ऑन डीलिंग विद आतंक टेररिज्म।
ये पूरी दुनिया में समय छाया हुआ है। आप जानती हैं कि निजेर में, अफ्रीका में, आप लोग सब जानते हैं, मैं तो वहाँ नौकरी कर चुका हूँ, सब लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि अमेरिका ने अफगानिस्तान को छोड़ने के बाद आतंक से लड़ने के लिए निजर को अपना सेंटर बनाया। तो पूरे वेस्ट अफ्रीका में इस समय आतंक बहुत है। सो वंस अगेन ये एक सेक्टर है वे वी विल फोकस, चाहे इक्विपमेंट बने, चाहे सैटेलाइट के जरिए के वट एवर इट इज, ये हम। और चौथा फाइनल सेक्टर जिसमें स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को आना है वो स्पेस। इफ यू कैन एंटर द स्पेस इंडस्ट्री, 140 बन चुके, 140 हमारे स्टार्टअप हैं, ऑल स्मॉल एंटरप्राइज सपोर्टिंग इसरो, सपोर्टिंग द स्पेस सेक्टर, सैटेलाइट बना रहे हैं, सैटेलाइट के कंपोनेंट बना रहे हैं। ये पांच सेक्टर अगर आप इनमें फोकस करें आप गलत नहीं हो।